बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग फॉर उर्दू। मेरी आज की रेसिपी है दम कीमा। दम कीमा बनाने के लिए मैंने लिया है कीमा 1.5 किलो, बीफ का हाथ का कुटा हुआ है, 1 पाव प्याज ली है, 3 अदर टमाटर लिए हैं, 1/2 पाव दही ली है, और इसमें मसाले जाएंगे 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी, नमक हसबे ज़रूरत, और इसमें कुटी हुई मिर्च जाएगी, इसको मैं पीस लूँगी, और साबुत गरम मसाला जाएगा और पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। साबुत गरम मसाले में इसमें तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च शामिल है, और पिसा हुआ गरम मसाला है 1/2 चाय का चम्मच। चलिए अब हम इसको तैयार करते हैं। और 2 चम्मच जाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को थोड़ा नरम कर लेंगे। प्याज नरम हो गए हैं, अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। और इसको थोड़ा भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी भून गया, अब इसमें कीमा शामिल कर लेंगे। और कीमे को भी थोड़ा भून लेंगे ताकि उसकी रंगत दे देगा। नीचे कीमे की रंगत तेज हो गई है और इसका पानी से बिल्कुल भूल गए हैं। अब मैं इसको पानी लगाऊंगी, इसमें कीमा गल जाए। आधा गिलास और 1/2 घंटे के लिए इसको ढक कर पकाऊंगी। धीमी आंच पर ये दीजिए कीमे का पानी खुश हो गया और कीमा भी गल गया है। और जब तक हम इसकी भुनाई करते हैं, हम ये कोयला दहका लेते हैं दूसरे चूल्हे पर रखकर। और इसके साथ ही हम इसमें हल्दी शामिल कर देते हैं, कुटी हुई मिर्च, धनिया और नमक, और आप इसकी भुनाई करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे टमाटर, तेज आंच करेंगे। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे दही। दही का पानी मिक्स करेंगे। दही का पानी कुक हो गया, अब इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम धनिया। और अब इसको बनाएंगे कोयले का दाल 1 प्याली रखेंगे और इससे दहता हुआ कोयला रखेंगे और इससे थोड़ा सा ऑयल डाल। सब कोयला निकाल लेंगे। लीजिए दम कीमा तैयार है और इसमें आप डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च, तकरीबन 2 से 3 चुटकी। दम कीमा तैयार है।